हेलो फ्रेंड्स, मैं कविता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल प्लांट्स एंड प्लैनेट पर। आज एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट आपके लिए मैं लेकर आई हूँ, उसके रख रखाव के बारे में बात करेंगे। वो प्लांट है ये टेंगल्ड हार्ट प्लांट। टेंगल्ड हार्ट प्लांट एक इंडोर प्लांट है। साउथ अफ्रीका से बिलोंग करने वाले इस प्लांट को वार्म टेम्परेचर बहुत पसंद होता है। इसकी लाइट ग्रीन कलर की लीव्स होती हैं जो कि गुद्देदार होती हैं, जेल बेस्ड होती हैं ये, इसीलिए इसको पिलो प्लांट भी कहते हैं और इसे स्वीडिश आईवी के नाम से भी जाना जाता है। इस प्लांट को अच्छी ग्रोथ करने के लिए इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में रखना चाहिए। डायरेक्ट सनलाइट ये प्लांट जो है टॉलरेट नहीं कर पाता। पूरा साल इस प्लांट की जो है बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। एक तरह का सैक्यूलेंट प्लांट है ये और क्रीपर की तरह से ग्रो करता है, इसलिए हैंगिंग बास्केट के लिए और ऐसी पोट जो आप कहीं शेल्फ पे रखना चाहें और उसके लिए बेस्ट प्लांट है ये। मैंने इसे देखिए फेस प्लांटर में लगाया है, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रहा है इसमें ये, और इसके साथ ही साथ इस छोटे से पॉट में भी मैंने इसे लगाया है और इसकी लेंथ देखिए आप। इसके साथ ही साथ मैंने इसे हैंगिंग बास्केट में भी लगाया है। यहाँ मैंने इसे टर्टल वाइन के साथ कॉम्बिनेशन में लगाया है। इससे पहले मैंने टर्टल वाइन का एक वीडियो आपके साथ शेयर किया था, तो अभी देखिए इसकी ग्रोथ कितनी खूबसूरत हुई है। ये देखिए कितनी लंबी इसकी स्ट्रिंग्स हो गई हैं और ऐसे ही टेंगल्ड हार्ट जो क्रीपर है इसकी भी लेंथ आप देखिए बहुत ही अच्छी लेंथ है इसकी और बेहद हेल्दी प्लांट है ये। तो मैं इसे फ्रेंड्स इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में रखती हूँ। पूरा साल ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं, लेकिन जैसे ही ठंड का मौसम आता है तो ठंड के मौसम में आप इसे डायरेक्ट फ्रोस्ट से और ठंडी हवा से बचाएं। अगर मॉर्निंग की 1 से 2 घंटे की धूप में आप इसे रखते हैं सर्दियों में, तो इस प्लांट के लिए बहुत फायदेमंद होती है वो। इसकी जो लीव्स रहती हैं वो शाइनी हो जाती हैं। और बहुत ही खूबसूरत प्लांट लगता है ये। तो किस तरह से फ्रेंड्स आप इसका इसकी देखभाल करें, किस तरह से इसका रख रखाव करें, क्या क्या इस प्लांट की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है और किस तरह से हम इसे वो सब प्रोवाइड कराएं, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करें इसकी सॉइल की, तो सेक्युलेंट पोटिंग मिक्स इस प्लांट के लिए बहुत अच्छा होता है, वो आप इस्तेमाल करें। ऑनलाइन आप मंगवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें घर पर बनाना तो उसके लिए आप रिवर सैंड का इस्तेमाल करें।
कोकोपीट का इस्तेमाल करें, वर्मी कंपोस्ट आप लें, परलाइट और नीम खली का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगर मैं रेशो आपको बताऊं तो 30% आपको रिवर सैंड चाहिए और 30% ही आपको जो है कोकोपीट की ज़रूरत पड़ेगी। इसके साथ ही साथ 30% आप वर्मी कंपोस्ट मिक्स करें और 5-5% आप जो है नीम खली और परलाइट का इस्तेमाल करें। ये एक बहुत ही अच्छा पॉटिंग मिक्स इस प्लांट के लिए रहता है, लूज मिक्स होता है और इसके वेल ड्रेन सिस्टम भी जो है इसका बहुत अच्छा होता है, मिट्टी में मॉइस्चर बना रहता है। अगर बात करें इसकी वाटरिंग की तो इस प्लांट को मॉडरेट वाटरिंग पसंद है। बहुत ज़्यादा वाटरिंग करने से इसके जो स्ट्रिंग्स हैं वो ख़राब हो जाती हैं। तो अगर गर्मी की बात करें तो 3 टाइम्स इन अ वीक आप इसे वाटरिंग कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो पॉटिंग मिक्स है उसमें हमने कोकोपीट का इस्तेमाल किया है, रिवर सैंड का इस्तेमाल किया है, जो कि इसका जो मॉइस्चर है वो मेंटेन रखता है। इसलिए रेगुलर वाटरिंग की और डेली वाटरिंग की इसमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। अगर विंटर्स की बात करें तो हमें 10 to 15 days का गैप रखना चाहिए इसकी वाटरिंग में, और अगर सर्दी ज़्यादा है तो हम इस गैप को बढ़ा भी सकते हैं। ओवर वाटरिंग होने पर ये प्लांट उसे टॉलरेट तो कर लेता है, बट इसके साथ एक प्रॉब्लम जो होती है वो इसके स्ट्रिंग्स तो खराब हो ही जाती हैं। और टॉलरेट करने पर इसकी जो आप देख रहे हैं लीव्स जो हैं वो बहुत दूर दूर आना शुरू हो जाती हैं, जो कि इतनी खूबसूरत नहीं लगती हैं। तो जितना कम आप इसे वाटरिंग करेंगे, जितना कम इसमें आप पानी डालेंगे, उतनी ही आप इसकी ग्रोथ अच्छी देखेंगे, प्लांट आपका हेल्दी रहेगा और जो इसकी लीव्स हैं वो पास पास इस तरह से खूबसूरत दिखेंगी। तो मेन पार्ट है इसका वाटरिंग। और बात करें फ्रेंड्स अब इसके पेस्ट अटैक की, तो बेफिक्र रहें आप, किसी भी तरह का पेस्ट अटैक इस प्लांट पर मैंने अभी तक नहीं देखा है। मेरे पास ये प्लांट काफ़ी समय से है, बहुत अच्छे से ग्रो करता है, ये किसी तरह का पेस्ट अटैक इस प्लांट पर नहीं होता है। अब बात करें इसके फर्टिलाइजर की, तो इस प्लांट को जो है फ्रीक्वेंटली फर्टिलाइज करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रोथ इस प्लांट की होती रहती है, नए नए इसमें शूट्स निकलते रहते हैं, तो हम इसमें वर्मी कंपोस्ट या सॉलिड फर्टिलाइजर इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप चाहें तो every 6 month जो है आप इसमें लिक्विड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि हम इसके पॉटिंग मिक्स में वर्मी कंपोस्ट ज़्यादा रखते हैं, इस क्योंकि वर्मी कंपोस्ट जो है वो स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र है, तो वो सफिशियंट होता है इसके लिए, बार बार इस प्लांट को फर्टिलाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बेहद ही लो मेंटेनेंस प्लांट है ये। और फ्रेंड्स अब बात करते हैं इसके प्रोपोगेशन के बारे में, तो बेहद इजी प्रोपगेशन इस प्लांट का होता है। आप इसकी छोटी से छोटी कटिंग लेकर के कहीं दूसरी जगह लगा दें, दूसरे पॉट में लगा दें, या किसी भी दूसरे प्लांट के साथ कॉम्बिनेशन में लगा दें, वो बहुत ही खूबसूरती से चलती है। जैसे कि मैंने ये मेरी
टेंगल्ड हार्ट प्लांट को इसने लगाया था कटिंग के थ्रू, तो इसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं कितनी अच्छी हुई है। तो मैं चाहूंगी कि जब भी आप अपने घर ये प्लांट लेकर आए तो वो भी आपका इतने ही अच्छे से और इससे ज्यादा अच्छे से ग्रो करे। तो कैसी लगी ये जानकारी आपको टेंगल्ड हार्ट प्लांट के बारे में, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, और इस वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक आते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।